वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर की वॉकैब सिखाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट वॉकैबलरी जो हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी फर्स्ट वॉकैब है इलीगल, ILLEGAL, इलीगल, ILLEGAL, इलीगल। देखिए फ्रेंड्स, इलीगल मीन्स क्या होता है? इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अनलॉफुल, और इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स अवैध। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? अवैध। तो अवैध तो आप सभी को पता है, जो चीज़ बिना लाइसेंस के खोल ली जाए वो अवैध होती है, इलीगल होती है। तो देखिए, इलीगल मीन्स अनलॉफुल या फिर अवैध। अब देखिए फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको हम लर्न कैसे करेंगे लॉन्ग टाइम तक के लिए? सबसे पहले वी हैव टू ब्रेक दिस वर्ड इन टू पार्ट्स। देखिए, ILL, इससे साउंड आ रही है फ्रेंड्स इल। इल तो आप सभी को पता होगा, इल क्या होता है? इल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बीमार। तो ILL को हमने रिलेट किया है इल से, मीन्स बीमार से। GAL, गल, गल से साउंड आ रही है फ्रेंड्स गली, तो हमने इसको रिलेट किया है गली से, जिसमें हम रहते हैं, जिसे आप कॉलोनी बोलते हो उसे गली भी कहते हैं हम हिंदी में। तो इलीगल को हमने टू पार्ट्स में ब्रेक किया है। इलीगल को हमने किससे किससे ब्रेक किया है? इल प्लस गली, इलीगल, इल प्लस गली। अब देखिए, इसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे हम इसको लॉन्ग टाइम तक लर्न करने के लिए? इसकी स्टोरी ये होगी, हमारी गली में कुछ डॉक्टरों ने बहुत सारे बीमार लोगों के लिए, इल लोगों के लिए, हमारे गली में कुछ डॉक्टरों ने इल लोगों के लिए, इल पेशेंट्स के लिए, बीमार लोगों के लिए क्या खोले हुए हैं? बहुत सारे क्लिनिक खोले हुए हैं जो कि अवैध हैं, बिना लाइसेंस के उनको चलाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इलीगल मीन्स होता है अनलॉफुल, और इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स अवैध। इसके एग्जाम्पल देखिए, जो कि न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ये वर्ड आता है, और इसके एग्जाम्पल किस तरह से आते हैं देखिए। He was caught with illegal gambling. वह कैसे पकड़ा गया? Illegal gambling से पकड़ा गया। तो he was caught with illegal gambling. किसके साथ पकड़ा गया? वो illegal gambling के साथ, अवैध जुए के साथ वो पकड़ा गया। Next example देखिए, his business deal are highly illegal. उसकी जो business deal थी, उन्होंने कुछ business deal की होगी, तो उसकी जो business deal है वो कैसी है? Highly illegal है, means बहुत ज़्यादा अवैध रूप से, मतलब unlawful है। तो His business deal are highly illegal. तो फ्रेंड्स, illegal means unlawful, और इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स अवैध। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेंड्स, इम्पैक्ट, IMPACT, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स इम्पैक्ट का गहरा असर डालना, किसी चीज़ पर गहरा असर डालना या किसी व्यक्ति पर गहरा असर डालना। तो इम्पैक्ट मीन्स होता है गहरा असर डालना। सो फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसको भी हम इस तरह से ही ब्रेक करके लर्न करेंगे। तो देखिए, इम्पैक्ट, IMP, इससे इम्प से हमने बना दिया है यहाँ पर इम्प्रेशन, इम्प से इम्प्रेशन, और एक्ट से एक्टर। इम्पैक्ट इम्प्रेशन प्लस एक्टर, इम्पैक्ट इम्प्रेशन प्लस एक्टर। अब हाउ टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ स्टोरी टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी स्टोरी क्या होगी? ज़्यादातर लोगों पर एक्टर की इम्प्रेशन का क्या होता है? गहरा असर पड़ता है। ज़्यादातर लोगों पर एक्टर की इम्प्रेशन का क्या होता है? गहरा असर पड़ता है। अब इसके एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, हिज स्पीच हैड अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मैनी पीपल। उसकी जो स्पीच थी वो कैसी थी? पावरफुल इम्पैक्ट, उसका मतलब असर लोगों पर पड़ा। उसकी जो पावरफुल स्पीच का लोगों पर क्या पड़ा? इम्पैक्ट पड़ा, मीन्स उस पर गहरा असर पड़ा लोगों पर उसकी पावरफुल स्पीच का। नेक्स्ट देखिए, द न्यू टीचर मेड गुड इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। जो न्यू टीचर था, न्यू टीचर ने क्या किया? स्टूडेंट पर गहरा असर डाला, मतलब उसने कुछ ऐसा पढ़ाया होगा, कुछ अच्छा किया होगा क्लास में। तो ये बोल रहा है द न्यू टीचर मेड, न्यू टीचर ने क्या किया? गुड इम्पैक्ट, मतलब स्टूडेंट्स पर क्या पड़ा? उसका गहरा असर पड़ा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इम्पैक्ट मीन्स इफेक्ट और इसका हिंदी मीनिंग होता है गहरा असर डालना या गहरा असर पड़ना। तो देखा कितने अच्छे से आपने दोनों वर्कअप्स को बहुत खेल खेल में और आसान तरीके से लर्न किया है। फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा, ये दोनों वर्कअप जो मैंने आपको पढ़ाई हैं न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आपको बहुत नज़र आएंगी। तो इसी तरह से आप सारी वर्कअप्स को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसी की हेल्प से आप बहुत अच्छे से हमारे न्यूज़पेपर को रीड कर पाएंगे और इस तरह से सारी वर्कअप्स आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।